एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है कि टेंथ के बाद एमबीबीएस की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप टेंथ के स्टूडेंट हो या फिर नाइन्थ के स्टूडेंट हो, तो आपको करना है कि आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आपको साइंस सब्जेक्ट लेनी होगी। इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में साइंस सब्जेक्ट लेना होगा एंड बायोलॉजी आपको मेन सब्जेक्ट रखनी होगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, तो MBBS डॉक्टर बनने के लिए नीट एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होती है, उसे आपको क्वालिफाई करनी होगी। एंड अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर काउंसलिंग होती है एंड आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। ओके, तो अगर आप टेंथ के स्टूडेंट हो या फिर नाइन्थ के स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहले करना है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है एंड आपको पेरिंग में ही एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी एंड आपको जो भी कुछ पढ़ना है तो आपको रट के नहीं पढ़ना होगा, आपको उसे अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। एंड आपको नोट्स बनानी होगी, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड आपको पूरे स्ट्रैटेजी के साथ ही पढ़ो, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है कोई ईजी एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप क्वालिफाई भी करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है। जब आप अच्छे मार्क्स लाते हो तभी आपको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। तो जब आप क्वालिफाई करते हो तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं एंड प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी एंड आपको स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है। एंड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आपको क्या करना है, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करनी है। एंड आपको एक ये आपको माइंड में ज़रूर सेट करके रखना है कि मुझे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। ये माइंड सेटअप आपको करना होगा कि मुझे नीट क्रैक करनी है, तो मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे कैसी स्ट्रैटेजी सेट करनी है, मुझे टाइम टेबल सेट करके पढ़ना चाहिए, मुझे कितने आवर पढ़नी है, मुझे 10 आवर पढ़नी है, 12 आवर पढ़नी है। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रैटेजी बना के ही करनी होगी। तो आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, जब आप ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप एंड उसके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एज लिमिट है 17 ईयर, आपकी जब एज होगी तो ही आप नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। के लिए ये कंपलसरी है कि 17 ईयर एज आपकी जरूर होनी चाहिए। आई होप गाइस कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुकी होगी एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।